वहीं करेरा के सिरसौद गांव के पास महुआ नदी में आई बाढ़ से 19 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी सोमेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा के लिए गए थे, तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से लोग मंदिर में ही फंसे रह गए। मंदिर के चारों ओर पानी बढ़ने से टापू जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। प्रशासन ने लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद मांगी है। जल्द ही लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। तो करेरा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां लोग मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। सोमवार का दिन था, लेकिन महुआर नदी का जलस्तर जैसे ही बढ़ा ये लोग मंदिर में ही फंसे रह गए। टापू में तब्दील हो गया मंदिर। अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की मदद से इन लोगों को यहां से निकाला जाएगा। फिलहाल इनके लिए काफी मुसीबत हुई, क्योंकि उस वक्त जब ये दर्शन के लिए इस मंदिर में पहुंचे थे तब नदी का जलस्तर इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन जैसे ही यहां से जब निकलने का इनका समय हुआ नदी का जलस्तर बढ़ गया और अब पानी का लेवल इतना बढ़ गया है कि मंदिर टापू में तब्दील हो गया है। इन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बहाव तेज है, और अब हेलीकॉप्टर से निकालने की खबरें जरूर सामने आ रही हैं।